मैं हूं माइज अली और आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन में इस्तेमाल होने वाले सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है इरियोक्रोम ब्लैक पिल। फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इरियोक्रोम इरियो क्रोम ब्लैक पिल, सबसे पहली बात तो ये हमारे पास इंडिकेटर है, ये क्या हमारे पास इरियोक्रोम ब्लैक टी हम एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं? कॉम्प्लेक्सो मेट्रिक टाइट्रेशन में। कॉम्प्लेक्सो मेट्रिक टाइट्रेशन सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है। सेकंड नंबर पे इसको अगर आपने एब्रीविएट करना है, इसको एब्रीविएट करने के लिए हम ये यूज करते हैं एब्रीविएटेड बाय। इसको हम एब्रीविएट करने के लिए वर्ड ईबीटी यूज करते हैं और कॉमनली हम लैब के अंदर यही वर्ड यूज करते हैं ईबीटी, इरियोक्रोम ब्लैक टी। अब थर्ड नंबर पे आप आ जाए इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका बनाने के लिए तरीकाकार यह है कि आप नेफ्थलीन की दो बार स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये हमारे पास एक नेफ्थलीन इस तरह, ये मैंने अभी सिर्फ एक नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर बनाई है। अब आपने करना क्या है कि इसके साथ यहां पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां पे एक और नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर बना। चलिए जी ये भी काम कर लेते हैं। यहां मैंने एक और नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर ड्रा कर ली। अब इसमें एक OH यहां पे लगा होता है, एक OH यहां पे लगा होता है, यहां पे N O2 ग्रुप लगा होता है और यहां पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा होता है जिसको हम कहते हैं S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहां पे O, यहां पे आमतौर पे हम NA लिखते हैं, यानी सल्फोनिक एसिड का साल्ट। ये हमारे पास इरियोक्रोम ब्लैक टी की स्ट्रक्चर। अब इसमें ना गौर करना है चंद एक चीजों पे। इरियोक्रोम ब्लैक टी की स्ट्रक्चर तो हमने लिख ली है, अब इसमें गौर करने वाली चंद एक बातें वो ये हैं कि जैसे आप इसको सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी इरियोक्रोम ब्लैक टी का आप सॉल्यूशन असल में यूज कर रहे थे ईबीटी का, जैसे आप सॉल्यूशन बनाएंगे यहां पे ये वाली चीज कंप्लीटली आयोनाइज हो जाती है। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये माइनस प्लस ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है। ये बात पहले नंबर पर याद रख लीजिए, कंप्लीटली आयोनाइज। जब ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो ये वाला एन ए यहां से उतर जाएगा, ये अलहदा हो जाएगा, जिससे हम कहते हैं जी एनएसएल कंप्लीटली आयोनाइज है। एनएसएल कंप्लीटली आयोनाइज, जब ये आयोनाइज होता है एन ए प्लस बना देता है, साथ में सीएल नेगेटिव बना, यानी यहां से एन ए उतरेगा एन ए प्लस बना देगा सोल्यूशन के अंदर और यहां पर हमारे पास ये वाली चीज। हमने सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर पर अभी तक गौर करना है और किसी चीज पर गौर नहीं करना कि एन ए प्लस उतरे वो कहां पर गया। सिर्फ एन ए प्लस उतरा कंप्लीटली आयोनाइज है और यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये इस पर गौर रखिएगा। यहां पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आने के बाद सेकंड नंबर है आपने ये चीज यहां पे देखनी है कि दो इसके साथ OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगे हुए हैं, यानी दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप का मतलब ये फिनोलिक ग्रुप है। एक ये हमारे पास फिनोलिक ग्रुप है, ये हमारे पास क्या है फिनोलिक ग्रुप। अगर इसको अल्कोहलिक ग्रुप क्यों नहीं कह रहे? अल्कोहलिक ग्रुप तो यही होता है, ओएच ओएच ग्रुप को ही अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। लेकिन ओएच ग्रुप अगर स्ट्रेट चेन के साथ जुड़ा हो, मीन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हो, उस वक्त उसको हम अल्कोहलिक ग्रुप कहेंगे। अगर वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो, ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, इसलिए हम इसको फिनोलिक ग्रुप का। और सेकंड नंबर पे फिनोलिक ग्रुप ये है,
फिनोलिक ग्रुप, यानी कि दो फिनोलिक ग्रुप पाए जाते हैं हमारे पास ईबीडी के स्ट्रक्चर में, और फिनोलिक ग्रुप या फिनोल एसिडिक नेचर होता है, उसकी थोड़ी बहुत एसिडिक नेचर होती है। एसिडिक नेचर होने का मतलब यह है कि वो यहां से एच पॉजिटिव आयन को, यहां से एच पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकता है। यहां से हमारे पास क्या कर सकता है, यहां से भी एच पॉजिटिव आयन निकाल के यहां पे नेगेटिव आयन आ सकता है, यहां से भी एच पॉजिटिव आयन निकाल के यहां पे नेगेटिव आयन लेके आ सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास ईबीटी का मॉलिक्यूल, ये तीन जगह से एसिडिक नेचर शो कर रहा है। पहले नंबर पे ये जो हमारे पास SO3 ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ एच लगा होता है, यहां पे एसिडिक नेचर शो करता है। दूसरे नंबर पे फिनोलिक ग्रुप लगे होते हैं दो, यहां से एसिडिक नेचर शो करता है, यानी कि जो ईबीटी का मॉलिक्यूल है ये हमारे पास वीक एसिड है। द मॉलिक्यूल ऑफ ईबीटी इज वीक बेसिक वीक एसिड, द मॉलिक्यूल ऑफ ईबीटी, ये बात याद रखने वाली है, ईबीटी इज वीक एसिड, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये जो ईबीटी का मॉलिक्यूल होता है ये हमारे पास वीक एसिड होता है। चले मैं अभी सिर्फ इतनी बात याद रखिएगा कि ये वीक एसिड है। अब इसको रिप्रेजेंटेशन किस तरह, हम बार बार अगर किसी जगह पर हमने इक्वेशन लिखनी है कि इसने मेटल आइटम के साथ रिएक्शन किया है, रिएक्शन करने के बाद हम बार बार ये पूरा फॉर्मूला ड्रा नहीं करेंगे। इस फॉर्मूला ड्रा करने के लिए हमने एक छोटा सा पैकेट बना लेना है कि हमें इजीनेस है, अपनी इजीनेस के लिए इसको चंद एक वर्ड्स में लिखना है। अब वो वर्ड्स किस तरह चूज करना है, आप सबसे पहले देखिए सिर्फ दो चीजों को यहां पर गौर कीजिएगा। आपने एक चीज ये वाली गौर करनी है, यहां पर एक हाइड्रोजन इस पे वोर करना है, जो चीज वोर करने वाली है मैं उस पर वो लगाता जाऊं, एक ये नेगेटिव साइन पे वोर। ये जो मैंने तीन चीजें ग्रीन सॉरी रेड कर दी है ना, इनको छोड़कर पूरे का पूरे मॉलिक्यूल को हम इंडिकेटर आयन वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या है, पूरे का पूरा मॉलिक्यूल आयन है। अब इस आयन के साथ एक दो दो हाइड्रोजन एटम लगे हुए और ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि इरियोक्रोम ब्लैक टी को स्ट्रक्चरली फॉर्मूले का एलिमेंट, वो तो हमने इसकी एब्रीविएशन लिखी नहीं, ईबीटी इसकी एब्रीविएशन है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसके फॉर्मूले किस तरह आपने राइट करना है, अगर सिंपली ये हमारे पास सिंपली जो आयन रिप्रेजेंट कर पूरे मॉलिक्यूल को, नेगेटिव साइन इसके ऊपर आ जाएगा, दो हाइड्रोजन एटम है, दो हाइड्रोजन एटम हमने यहां पे, अभी हमने कहा है कि ये जो हाइड्रोजन एटम होते हैं ना, ये यहां से लूज करने की सलाहियत रखता है। जब लूज करने की सलाहियत रखता है तो ये पहली कंडीशन ये है कि एक हाइड्रोजन एटम यहां से लूज कर दे। जैसे एक हाइड्रोजन एटम यहां से लूज करेगा, इसके ऊपर माइनस टू और यहां पर एच प्लस आइन आ जाएगा, और यहां पे जो इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू, के की वैल्यू आती है ना, वो हमारे पास है 5.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7, ये वैल्यू आती है। इसके बाद सेकंड भी हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, यानी कि ये जो एक तो निकाल दिया, अब सेकंड पे चले जाते हैं, एच आई एन माइनस 2। ये क्या कहता है, जो एक हाइड्रोजन एटम है ये भी निकालने की सलाहियत रखता है, और यहां पे माइनस 3 आ जाएगा और यहां पे एक एच पॉजिटिव और निकाल देगा, और यहां पे जो के की वैल्यू आती है वो 12.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस सॉरी 2.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12। अगर इन दोनों वैल्यूज का कंपैरिजन किया जाए ना, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बहुत ज्यादा छोटी है। इस वैल्यू में देखें 10 रेज टू पावर माइनस 7 और इसमें 10 रेज टू पावर माइनस 12, बहुत बहुत छोटी वैल्यू है। बहुत बहुत छोटी वैल्यू होने का मतलब यह है कि ये जो चीज बन रही है ना, स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट का मतलब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये कितना स्टेबल है। इसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत स्टेबल है, लेकिन इस कंडीशन में ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। और हाँ, इसको ना डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं,
ये बात याद रखिएगा, डबल एरो से, ये भी डबल एरो। अब कहता है जो इंडिकेटर होते हैं वो हाईली 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 स्पेसिफिक ऑन पीएच, ये तो बड़े डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर आप पीएच चेंज करते हैं ना, वो इंडिकेटर चेंज हो जाएगा, यानी कलर्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं उसके। किस लिहाज से देखते हैं, कहते हैं इंडिकेटर या ईबीटी इज हाईली स्पेसिफिक ऑन पीएच, वो किस लिहाज से इसको भी देखते हैं। ईबीटी इज हाईली स्पेसिफिक ऑन पीएच, कोई भी इंडिकेटर होगा जो कॉम्प्लेक्स मेटिक टाइट्रेशन में यूज हो रहा है वो पीएच पे बड़ा डिपेंड करता है। अब पीएच पे किस तरह डिपेंड करे, मैं कहता हूं जी मैंने पीएच डिक्रीज कर दी, क्या इफेक्ट पड़ेगा। पीएच डिक्रीज करने का मतलब ये समझते जाइएगा, मेरे पास ना ये इक्वेशन एक यहां पर लिख लेता हूं, मैंने इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है। मैंने यही इक्वेशन उठाई यहां से H2In-1, ये वाली चीज रिवर्सिबल रिएक्शन है, HIN+H+ यहां पे -2। मैंने क्या किया कि यहां पे सपोज करते हैं कि मैंने पीएच इंक्रीज कर दिया, पीएच डिक्रीज कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं वो आपकी मर्जी। मैंने क्या किया पीएच डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज करने का मतलब क्या है, असल मैंने हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है पीएच डिक्रीज हो जाती है, मीन उसके अंदर ज्यादा एसिडिक करेक्टर आ जाता है। एसिडिक करेक्टर ज्यादा होने का मतलब यह है कि उसके अंदर एच पॉजिटिव आयन ज्यादा आ गए। अब एक बात आपने लीस्ट एरिया प्रिंसिपल में पढ़ी है, अब लीस्ट एरिया प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन पे स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो रिएक्शन अपने आप को इस तरह एडजस्ट करेगा कि उस स्ट्रेस को कम से कम कर दे। यानी अगर आप प्रोडक्ट वाली चीज साइड पर कोई चीज डालेंगे तो बैक साइड पर रिएक्शन आ जाएगा, अगर आप रिएक्टेड वाली साइड पर कुछ चीज डालते हैं वो रिएक्शन आगे की तरफ चला जाएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं देखें यहां पे पीएच डिक्रीज करके असल में काम कर क्या रहा, एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा हूं। जैसे मैं पीएच डिक्रीज की एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी, यहां पर ये वाली चीज इंक्रीज हो जाएगी, ये वाली चीज इंक्रीज हो जाएगी। जैसा ही प्रोडक्ट वाली साइड पे कुछ चीज इंक्रीज होती है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये वाला रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो ये वाली चीज की कंसेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब ये वाली चीज की कंसेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी इसका कलर कुछ और ही रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा, ये कंप्लीटली तौर पर आयनाइज नहीं हो पाएगा। इससे जो भी इंडिकेटर है वो पीएच पे हाईली स्पेसिफिक है। अब इसकी मैं मजीद एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, कहता है अगर ये हम डालते हैं किसी भी मेटल आयन कंसेंट्रेशन मालूम करने के लिए, सबसे पहली जो चीज बनती है वो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स है, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। ये बात आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, जब भी इंडिकेटर हम डालेंगे किसी भी मेटल के अंदर सबसे पहले बात और मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स का हमेशा जो कलर होता है वो वाइन रेड होगा, वाइन रेड। आगे तीन तरह की सिचुएशन बनती है पीएच के लिहाज से, यानी कि आगे वाला जो हमारे पास चीज आएगी प्रोडक्ट आएगा या फिर एंड पॉइंट आएगा उसमें जो कलर चेंज हो रहा होगा वो किस तरह का हो रहा होगा। अगर तो पीएच है लेस देन 6, पीएच जो है वो 6 से कम है, लेस देन है 6 से, यानी पीएच अगर 6 से कम है तो ये कलर शो करेगा रेड। एंड पॉइंट जब आएगा उस वक्त सिर्फ वाइन रेड से रेड कलर में थोड़ा सा चेंज आएगा, हम पहचान भी नहीं पाएंगे उस चेंज को। अगर मैं पीएच का रखता हूं यहां पे 7 to 11, और अमूमन ये वाली पीएच हम यूज करते हैं 7 से 11 वाली, ये वाली पीएच हम अमूमन यूज कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स मेटिक टाइट्रेशन में। अगर मैं पीएच रखता हूं 7 से 11 के दरमियान है तो जो एंड पॉइंट आएगा वो ब्लू आएगा, ये नॉर्मल है जो हम खुद भी यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स मेटिक टाइट्रेशन में।
वायलेट रेड से ब्लू में जाएगा हमें नॉमिनेटली पता चल जाएगा कि अब कलर चेंज हुआ, ये इसका एंड पॉइंट है। अगर आप पीएच कर दें 12, पीएच ग्रेटर देन कर दें 12 से, यहां पे स्मॉलर लेना है, ग्रेटर देन कर दें 12 से, 12 से ज्यादा कर दें तो फिर जो एंड पॉइंट पे कलर वाइन रेड से हमारे पास चेंज हो जाएगा ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड यानी कि ना होने के बराबर उसका कलर चेंज हो रहा है। इसे पीएच बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है, और जो हम अमूमन यूज कर रहे होते हैं अपने रिएक्शन वगैरह में वो ये वाली पीएच है 7 से 11 वाली, 7 से 11 के दरमियान में हम पीएच रखते हैं ताकि कलर जो वाइन रेड से ब्लू में चेंज हो वो प्रोमिनेंटली हमें पता हो, इजिली हम डिटेक्ट कर सके उस कलर को। अब नेक्स्ट बात पे जाते हैं, जब भी आपने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं कॉमनली हम जो टाइट्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ईडीटी होता है, और ईडीटी की कंसंट्रेशन हमें पता होती है, जब उसकी कंसंट्रेशन आपको पता होगी आपने उसको ब्यूरेट में ले लेना है। ईडीटी को हमेशा आपने ब्यूरेट में लेना है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, ब्यूरेट में हमेशा हमेशा वही चीज लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता होती है। अब नीचे हमने रखी हुई है कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क में आपको मैं करता हूं कि मैंने हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन मालूम करना चाहता हूं, या कोई और मेटल आइटम में जिंक की कंसंट्रेशन मालूम करना चाहता हूं किसी चीज में। अब जिस चीज की कंसंट्रेशन मालूम करना चाहते हैं उस चीज को यहां पर लेंगे, यहां पे मेटल का सोल्यूशन, मेटल आयन का सोल्यूशन, यहां पे क्या होगा हमारे पास मेटल आयन सोल्यूशन होगा। अब मेटल आयन सोल्यूशन है, अब आपने इंडिकेटर ईबीटी यूज करना है, ईबीटी आपने यहां पे डालना है, यहां पे ईबीटी इरियोक्रोम ब्लैक टी को यहां पे डालेंगे आप, जैसे ही डालते हैं ये नीचे वाले का कलर क्या होगा फ्लास्क का वाइन रेड, पहली बार जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है वाइन रेड कलर अपेयर होना शुरू हो जाता है। आपने यहां पे क्या बनाएगा मेटल ने क्या किया ईबीटी के साथ, ये हमारे पास सपोज किया मैंने रेड जो सर्कल है ये मेटल आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है ईबीटी को ब्लू है, जैसे मैं दोनों को आपस में इकट्ठा करता हूं तो मेटल ईबीटी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मेटल ईबीटी कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है हमेशा हमेशा वाइन रेड होगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वाइन रेड कलर होगा। चलिए मैंने इसके अंदर इंडिकेटर डाला, इंडिकेटर डालने के बाद हमारे पास कलर जो वाइन रेड शुरू प्रोमिनेंट अपेयर होना शुरू हो गया, इसके बाद मैंने कहा कि स्टॉपर को खोल दे, ऊपर से ईडीटीए डालना शुरू कर दिया, जैसे मैं ईडीटीए डालता हूं क्या करता है ईडीटीए जाके इस इंडिकेटर को यहां से रिप्लेस करता है, खुद आके इसके साथ जुड़ जाता है, इस इंडिकेटर को यानी कि ये जो हमारे पास ईबीटी है यहां पर फ्री कर देता है, ये क्या हो गया यहां पे फ्री हो गया, जैसे ही फ्री होता है एक और कलर देना शुरू कर देता है, वो जो कलर होता है वो हमारे पास है ब्लू। अगर पीएच आपने 7 और 11 के दरमियान में रखी है, ये था पूरा तरीका कार्य कि ईबीटी की स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह पीएच पे डिपेंड करता है, और इसको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम क्यों इस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमूमन हम जो भी मेटल आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी होती है वहां पे ईबीटी का यूज कर रहे होते हैं। ईबीटी जो कलर चेंज शो करता है वो वाइन रेड से ब्लू, ये इसका एंड पॉइंट है, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस तरह का है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को हम जनरल रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं, यही था आज के लेक्चर में, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।